हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूपीएससी सीसेट पेपर 2018 का पीवाईक्यू का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं तीन पार्ट लाया था जिसमें 1 से लेकर 60 क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है, जिसमें मैथ और रीजनिंग था। इस पार्ट में मैथ और रीजनिंग जो लास्ट पार्ट है 61 to 80 क्वेश्चन के बीच में जितने सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उसको देखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर, 61 नंबर में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है भाई 61 में? हाँ जी, ये मैथ से आप बोल सकते हो, इसका ग्राफ वाला है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर दिए गए आलेख के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत है। यानी तीन सही होंगे और एक गलत होगा। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आप ग्राफ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन में है 1 जून को कार्ज की वास्तविक प्रगति अपेक्षित प्रगति से कम थी। अपेक्षित जो डॉट डॉट वाला है, स्लैश स्लैश जैसा है, और जो सरल रेखा में है वो है सिर्फ वास्तविक प्रगति है। यानी 1 जून को, 1 जून कहाँ पे आएगा? 1 जून यहाँ पे, 1 जून को क्या है? वास्तविक जो है अपेक्षित से कम है। तो यहाँ बोला है कि वास्तविक प्रगति अपेक्षित प्रगति से कम थी। हाँ बिल्कुल सही। अब सेकेंड पढ़ते हैं, कार्ज की वास्तविक प्रगति की दर अगस्त महीने में सर्वाधिक थी। अगस्त महीना में, हाँ जी अगस्त महीने के बीच में वास्तविक वाला ऊपर चला गया है, सही है। सी में देखते हैं, कार्य वास्तव में अपेक्षित समय से पहले समाप्त हो गया। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट जो था से सितंबर तक था, सितंबर से पहले पहले वास्तविक जो है ना समाप्त हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अब डी देखते हैं, 1 अप्रैल से 1 सितंबर की अवधि में किसी भी समय वास्तविक प्रगति अपेक्षित प्रगति से अधिक नहीं हुई। हुई बिल्कुल हुई, अगस्त में हुई, इसलिए ये डी ऑप्शन जो है गलत है। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 61 का। अब चलते हैं 62 का। 62 में बोला है, एक खेल प्रतियोगिता के लिए लकड़ी के तीन खंडकों को मिलाकर बने विजेता मंच का आकार नीचे दिया गया है। जब भी कोई टॉप करता है, जो ऊंचा ऊंचा मंच पर खड़ा होता है, और जो उसके बाद सेकेंड आता है वो सेकेंड वाला पे, और जो थर्ड आता है वो थर्ड वाला पे। अब प्रश्न क्या बोला है, उपलब्ध छह विभिन्न रंगों से रंग चुनने हैं। क्यों चुनना है भाई? लकड़ी को रंगना है। इस प्रकार रंगा जाना है कि प्रत्येक दो खंड का रंग एक समान ना हो, यानी तीनों अलग अलग होंगे। तो कितने प्रकार से उमंच को रंगा जा सकता है? 6 कलर से। तो ये परमुटेशन वाला क्वेश्चन है, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 रंग को 3 भाग में कितने प्रकार से रंगा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है कि (6)(6-3). अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर आएगा। यानी ये माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6(3). इसको करने के लिए क्या करेंगे? 6(5)(4)(3). ये हो गया ख़त्म। पंचों को 120 प्रकार से कलर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ऊपर आलेख दिया हुआ है, कुछ फिगर दिया हुआ है, उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोला है, आलेख को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्ष 1990 से लेकर 2010 तक क्या है भाई? निष्कर्ष बताना है, कंक्लूजन बताना है। जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ी है लेकिन कन्फ्यूजन में है। जनसंख्या की वृद्धि दर घटी है, यह भी हम नहीं कह सकते। जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर रही है, बिल्कुल रही है। जनसंख्या की वृद्धि दर किसी प्रवृत्ति को नहीं दिखाती। हाँ जी, जनसंख्या का वृद्धि जो है वो किसी प्रवृत्ति को नहीं दिखाती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। ऊपर दिए गए आलेख के संदर्भ में 1970 के आधार पर मानकर नीचे दिए कथनों को विचार कीजिए। 1970 को आपको बेस मानना है, जो दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। उसी के बाद प्रश्न को हल देना है। पहला कंडीशन में है, 35 वर्षों के बाद जनसंख्या स्थिर हो गई। ऐसा है, देखते हैं आगे पढ़ के। 35 वर्षों के बाद जनसंख्या स्थिर हो गई। 35 वर्ष कहाँ तक जाएगा? 10, 20, 30, 35। हाँ, स्थिर तो हो गई भाई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। स्थिर नहीं हुई है,
जनसंख्या स्थिर नहीं कहेंगे, जन्म जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हुई है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर टू, 35 वर्षों के बाद जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई, ये सही होगा। फिर नंबर थ्री, पहले 10 वर्षों में मृत्यु दर में 10% की गिरावट हुई, पहले 10 वर्षों में, देखो 1980 में कितना है, मान लो कितना होगा यहाँ पे 28, और ये कितना है 19, मान लो 18, 10, ये फिक्स नहीं है, ये देखो कहाँ है ग्राफ और ये कहाँ है, इसलिए 10 नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं। 35 वर्षों के बाद जन्म दर स्थिर हो गई, जन्म दर स्थिर हो गई, हाँ जी जन्म दर यहाँ से स्थिर हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। अगला में है, दो फिगर दिया हुआ है ग्राफ की तरह, इसमें बताया गया है कि पहला है चित्रों को यह देखकर यह देखा जा सकता है कि ई के मूल अलग अलग हैं, नहीं, ई जो है प्रति घंटा, ये दोनों में समान है, इसलिए ए नहीं होगा। ई के प्रेशर यानी अधिकतम और न्यूनतम का अलग अलग है, नहीं, दोनों में सेम है, 0 से स्टार्ट हुआ है दोनों। आलेख की प्रवणता समान है, हाँ जी बिल्कुल समान है ना, यानी दोनों का प्रवणता समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अब देखते हैं 66 में क्या है, 66 में है कि नीचे दिए गए चित्रों को आपको बताना है, तो आप यहाँ पे देखो कि क्या हो, मतलब सिमिलर ढूंढना है ये दोनों के बीच में, उसी के बेस पर ये दोनों को यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले ये जो है सर्कल, इसको यहाँ पीछे कर दिया गया है, ये दोनों को आगे कर दिया गया है, उसी तरीका से ये दोनों को आगे कर दिया गया है, यानी इसको पीछे कर देगा, यानी ये जहाँ पे रहेगा वही आंसर होगा, ये जो है सो ऑप्शन नंबर ए में है, सिर्फ यही आंसर होगा। यदि दो रहता तो क्या करते हैं, पैर को काउंट करते हैं, पैर को क्या किया गया है, ये जो चार पैर है उसको आगे किया गया है और बाकी ये दोनों को पीछे कर दिया गया है, उसी तरह से ये तीन पैर आगे किया गया है, बाकी ये दोनों को पीछे कर दिया गया है, ये दो पैर वाले यहाँ पे आएगा, दो पैर वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट होगा। अब है 67 में, यहाँ पे क्या बोला है भाई, बोला है कि क्रमशः ए और बी किसी उत्पादक के निर्माण लागत और प्रक्षेपित बिक्री दिखाई गई है, कम से कम कितने आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हानि ना हो। यहाँ पे एक जो है सो कॉस्ट प्राइस का है, एक जो है सेलिंग प्राइस का है, इसमें यह बताया गया है कि यदि आप लाखों में खरीदेंगे, उत्पादन की लागत यानी ये जो है कॉस्ट है, पैसा है, यानी आप 5 लाख के सामान खरीदेंगे तो कितना खरीद पाएंगे, 5 लाख से तो नीचे शुरुआत ही नहीं होगा। पहले सपोज विनिर्माता विनिर्मित आदतों की संख्या यानी प्रोडक्शन यानी कंपनी है ये, यानी 1000 वो कुछ सामान को बनाता है तो उसे 6 लाख रुपया लगता है, कितना लगता है 6 लाख रुपया, और 2000 बनाता है तो 7 लाख, जैसे जैसे आगे ये क्वांटिटी बढ़ाएगा उसका पैसा भी कम रहेगा थोड़ा थोड़ा। उसी प्रकार से आप जितना कम खरीदेंगे पैसा उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना कम पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल यदि 3000 आप खरीदते हैं तो आपको पर आदतों की मतलब रेट जो है 300 देनी पड़ेगी, यदि आप 1000 से कम खरीदते हैं तो आपको 500 से लेकर के 400 के बीच में आपको रेट मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है कि कम से कम कितने खरीदा जाए या बेचा जाए, क्या है निर्माण किया जाए कि उसको हानि ना हो बेचने के बाद। तो पहले ये हम देखेंगे कि कितना इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है जी, तब हम समझ पाएंगे कि कितना बेचें। दो ही तीन ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में है 2000 बनाने में कितना खर्च हो रहा है, 7 लाख, तो 2000 को 7 लाख में डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, काएं दहाएं सैकड़ा हज़ार 10000 लाख, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गया, ये 700 को डिवाइड करेंगे तो 350, यानी 350 एक वस्तु का मूल हुआ, यानी इतने में ही बेचना जाना चाहिए, है 2000 वस्तु का 350, हाँ जी है, यानी यहाँ भी सेलिंग प्राइस जो है 350 है, यानी कम से कम 2000 आप बनाएंगे तो उसको 350 के दर से बेच पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब है 68, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 68, इसमें बोला है कि एक लिफ्ट में 18 व्यस्त या 30 बच्चों को ले जाने का क्षमता है, यानी एक लिफ्ट है ना उसमें या तो 18 मैन जा पाएंगे या 30 चिल्ड्रन जा पाएंगे,
ये दोनों में से कोई एक जा पाएंगे। लेकिन क्या बोला है आगे कि 12 व्यस के साथ कितने बच्चे और ऐड हो पाएंगे, तो आपको इसको रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी 18 इससे लिखता हूँ, 18 मैन इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रेन, मैन अपॉन सी इज इक्वल टू 13 अपॉन 8 5 6 35 6 18 ठीक है जी। यानी 5:3 आया। अब क्या करेंगे, उसकी क्षमता है 18 मैन लेके जाने का, कितना लेके जा रहा है 12 मैन, और कितने चिल्ड्रन होंगे x चिल्ड्रन होंगे, ठीक है यही वेरीफाई x का वैल्यू निकाल दो, यानी जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 5 रख दो, 18 × 5 12 × 5 प्लस x इंटू 3। अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 18 में से 12 आ गया तो 6 × 5 इज इक्वल टू 3x, इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10, यानी 10 बच्चों को लेके जाने की क्षमता होगा उसका। इतना करने की ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते थे मैन से। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी व्यक्ति ने 800 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसको रेट है 12.5% चक्रवृद्धि, यानी हर साल उसका जो है इंटरेस्ट ऐड होगा, तो पहला साल जो है कितना चुकता किया 8,650, दूसरा साल चुकता किया 9,125, तो तीसरा साल कितना फाइनल चुकता करेगा, तो इसका बेसिक होगा कि 22,800 को इतना परसेंट कितना होता है 1/8, यानी 8 में खरीदा है तो एक इंटरेस्ट लगेगा, यानी 9 देना पड़ेगा, यानी 9/8, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 9/8 से मल्टीपल करेंगे, कितना दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8,650, यह हो गया पहली, फिर इसको मल्टीपल करेंगे 9/8 से, दूसरी बार कितना दिया 9,125, अब तीसरी बार कितना देगा तो 9/8 जो आएगा वही फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी आता है, कौन सा आता है 11,250, ठीक है। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर जो है फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन 2018 में बहुत देखने को मिला है, इसको सॉल्यूशन क्या होगा भाई, ये जो है 6 पैटर्न दिया हुआ है, 6 पैटर्न से घबराना नहीं है, बस इसमें कुछ ढूंढना है कि ये किया क्या गया है। पहला में ये जो स्क्वायर है एक स्टेप आगे बढ़ा है, फिर इसमें एक स्टेप बढ़ा है, मतलब आगे एक एक स्टेप बढ़ा है, तो क्या करेंगे यदि यहाँ पे है तो इसका आगे यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ है, बस इतना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यदि 2 रहता तो अब देखते हैं अगला कुछ इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार में मिल गया ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर जो है इकोनॉमिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन है, जो देखते हैं आगे क्या है पूछा है। डायरेक्ट यदि ऐसा प्रश्न रहे तो ऊपर से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, एग्जाम में क्या होता है ना ऊपर से पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ें कि बोला क्या है, तो बोल्ट लाइन में लिखा हुआ है तर्कसंगत निष्कर्ष दें, ये नहीं पढ़ेंगे उपयुक्त आलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष है, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट्स पढ़ने लगेंगे। देखिए बोला है पिछले 2.5 दशकों में देश बी में निर्भरता अनुपात में कमी आई है, यहाँ पे दो लोग हैं, तीन लोग हैं, एक है 15 साल से नीचे, एक है 15 से 64 साल के बीच में, एक है 64 साल से ऊपर, यानी बच्चे बूढ़े। 71 नंबर क्वेश्चन ना, क्या क्या है भाई, एक है बच्चा, एक है जवान, एक है बूढ़े। इसमें बोला है निर्भरता, निर्भरता का मतलब होता है जो निर्भर होता है किसी दूसरे पर, तो बच्चे लोग क्या है खुद से तो कमाते नहीं है, बूढ़े लोग भी नहीं कमाते, तो ये दोनों जो हैं निर्भर रहेंगे, जवान जो भी घर में फैमिली बड़े होंगे उन पर, बच्चे लोग या बूढ़े लोग, तो यही है बच्चों का ग्राफ और बूढ़े के ग्राफ को बारे में बात किया गया है, अनुपात में कमी आई है, तो ये कब बताएंगे जब जवान यानी उसको क्या बोलेंगे कार्यशील, इसको क्या बोलते हैं कार्यशील, इसको बोलते हैं निर्भरता, ठीक है। तो कार्यशील का अनुपात यदि बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि आर्म निर्भरता वाला जो ग्राफ है उसमें कमी आएगा, तो देखिए बी में बोला है, बी में क्या हो रहा है ग्राफ बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसलिए कमी नहीं होगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, अगले 2.5 दशक के अंत में ए का निर्भरता अनुपात बी से तुलना में बहुत कम है,
नहीं, ग्राफ उसका कम रहा है इसलिए नहीं होगा। सी में देखते हैं। तीसरा, अगले 2 दशकों में देश ए की तुलना में देश बी की कुल जनसंख्या सापेक्ष कार्यशील जनसंख्या बढ़ जाएगी। हाँ जी बढ़ जाएगी बिल्कुल, इसको जो ग्राफ है सो ऊपर जा रहा है इसलिए बढ़ने का उम्मीद है। ठीक है, अब पूछा कि कौन सा सही है, तो 1 और 3 बी यानी दूसरा नंबर गलत है इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 72 देखते हैं। 72 में क्या बोला है, 72 में बोला गया है कि लक्ष्मी, उसका भाई, उसकी पुत्री तथा उसका पुत्र, ये ब्लड रिलेशन जैसा लग रहा है लेकिन उससे भी मिक्स वाला क्वेश्चन है। 4 लोग हैं घर में, एक लक्ष्मी है, उसका भाई है, उसका बेटा है, उसका बेटी है। क्या बोला है, पहला कंडीशन बोला है लक्ष्मी का भाई उसकी पुत्री के ठीक सम्मुख है यानी एक बॉर्डर है। अब इसके अपोजिट में यदि पुत्री है तो उसका भाई इधर है। ठीक है जी, अब क्या बोला है आगे, उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर, देखिए यही वर्ड जो है क्वेश्चन को गलत करेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग, सगा भाई बहन जो भी है, तो सहोदर से नेट के पार विकर्णता है, डायगोनली समूह है, यानी जो भी खराब खिलाड़ी होगा उसका भाई या बहन के डायगोनली समूह कौन है, उसका बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यानी ये भाई है, किसका भाई है, लक्ष्मी का भाई, शिवलिंग की चर्चा है तो जब भी होगा तो लक्ष्मी यहाँ होगा और ये भी लक्ष्मी, सॉरी बेटा यहाँ होगा पुत्र, लेकिन लक्ष्मी का भाई का है डायगोनली, डायगोनली फिट हो गया, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं भाई, अच्छा खिलाड़ी और बुरा खिलाड़ी दोनों एक ही तरफ हैं, इसका भाई जो है अच्छा खिलाड़ी है और ये लक्ष्मी बन गई बुरा या ख़राब खिलाड़ी। अब पूछा क्या है, सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो उसका भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में है, ये भी है इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स का है डायरेक्ट। यदि आप स्फीति विरोधी कदम के बारे में जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते के साथ आप बना सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में है, कुछ यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको ऑप्शन को चुनना है। पहला ऑप्शन में उच्चतर प्रति व्यक्ति आय समानता उच्चतर दूरसंचार संहिता से संबंध रखती है, यानी समानता बोल दिया ना तो आप समझिए कि ये फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली का मतलब ये हुआ कि यदि उसका प्रति व्यक्ति आय यदि ज़्यादा है तो उसका दूरसंचार संहिता भी ज़्यादा होना चाहिए जनरली, ये नहीं कि एक दो छोटे हो गए तो नहीं, और यदि बोल दे सदा या ऑलवेज या हमेशा तो बड़ा छोटा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है GDP वृद्धि दर सदा, देखिए सदा आ गया ना, सदा बोल दिया यानी कोई भी छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य 4 में और 7 में देखिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है 545 है जिसका GDP वृद्धि दर 9 point something है, लेकिन यहाँ पे 900 जो है 8 point something है, यहाँ पे कम बेशी हो गया इसलिए 2 नंबर गलत हो गया। तीसरा क्या है, उच्चतर GDP वृद्धि दर उच्चतर दूरसंचार संहिता को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती, बिल्कुल उल्टा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसलिए नंबर 3 भी सही हो गया, यानी 1 और 3 करेक्ट। अब चलते हैं अगला प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न 75। ऊपर दी गई तालिका के बेस्ट पर आपको बताना है, पूर्व धारणा बताना है कौन सा होगा। इसमें आजकल पहले से ही उच्च निष्पादन करने वाले किसी राज्य की संबद्धता दूरसंचार अवसंरचना में वृत्त निवेशों की जारी रखे बिना कायम नहीं रखी जा सकती, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न तो ए होगा न तो 2 नंबर होगा। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है भाई, ये भी जो है इकोनॉमिक्स जैसा लग रहा है लेकिन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ दी गई समय अवधि में समग्र कर राजस्व के प्रतिशत रूप में प्रत्यक्ष करों से राजस्व में वृद्धि हुई है जबकि अप्रत्यक्ष करों में राजस्व में कमी आई है। आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि प्रत्यक्ष कर और यहीं पे बनाते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर उसको बोलते हैं जो व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत या कंपनी या कॉरपोरेट जिसको बोलते हैं, इसके अलावा जो भी है अप्रत्यक्ष कर लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो ग्राफ में जैसा कि दिख रहा होगा
व्यक्तिगत जो स्लैश वाला है, कंपनी मतलब डॉट डॉट वाला है, डॉट डॉट वाला तो ऊपर जा रहा है और कंपनी व्यक्ति वाला भी ऊपर ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो क्या बोला है, यानी ये बढ़ रहा है। बोला है कि प्रत्यक्ष करों के राजस्व में वृद्धि हुई है जबकि अप्रत्यक्ष कर में कमी आई है। बिल्कुल सही है वन वाला। दूसरा नंबर, उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। दी हुई समय अवधि में निर्माण क्षेत्र का विकास ऋणात्मक रहा। निर्माण क्षेत्र किधर है भाई, ये यानी टैक्स वाला। ऋणात्मक तो नहीं कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही होगा। ठीक है, ए। अब देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में मैथ्स आप बोल सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो आपको बताना है एक्स वाई क्या होंगी, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों में से कोई कंडीशन सही नहीं है। अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये था 60-80 के बीच में मैथ और रीजनिंग। ये 2018 का PYQ समाप्त हुआ, अब चलेगा 2019 का PYQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके से बेस्ट तरीके से सोल्यूशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।